बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें हमने देखना है पीएचपी का सबसे पहले सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं पीएचपी को स्टार्ट करने के लिए। मैं नोटपैड प्लस प्लस में आया। ठीक है, मैंने पीएचपी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, पीएचपी का स्टार्टिंग टैग होता है सबसे पहले हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क और पीएचपी। ठीक है, और इसका क्लोजिंग टैग होता है क्वेश्चन मार्क और एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारे पास पीएचपी का स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग्स हैं। इनके अंदर अब हमने पीएचपी की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है। सही है, सबसे पहले हमने देखना है कि पीएचपी में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं उनमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट हो गया, इंट हो गया, स्ट्रिंग, डबल, फ्लोट। ठीक है, इसमें हम सिंपली वेरिएबल की टाइप ना भी लिखें तो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं सिंपली डॉलर साइन से। ठीक है, तो मैं डॉलर साइन लिखूंगा और यहाँ पे कोई वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ VAR। ठीक है, इसमें मैं अगर 12 फॉर एग्जांपल कोई नंबर स्टोर करवा दिया। ठीक है, अगर मैंने कोई स्ट्रिंग स्टोर करवानी है तो मैं फिर से STR इज इक्वल टू, इसमें कोई स्ट्रिंग स्टोर करवा देता हूँ, जीशान। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह हम इसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और इन वेरिएबल्स में वैल्यूज स्टोर करवाते हैं। ठीक, तो बेसिकली PHP जो है वो हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जहाँ पे समझना ही क्वेश्चन कर ले। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस मीन, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो हम अपने वेब ब्राउजर के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में आती हैं हमारे पास PHP, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, पाइथन, पर्ल। ठीक है, और इसके अलावा जितनी भी होंगी, नहीं जेक्यूरी स्क्रिप्टिंग, और जेक्यूरी तो जावा स्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है। ठीक है, तो इस तरह बाकियों का मुझे पता नहीं है, इतनी का ही पता था सो बता दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का क्या मतलब है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस मीन्स कोई ऐसी लैंग्वेज जो हमें कोई प्रोग्रामिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही हो। ठीक है, जावा तो मीन्स ऐसी लैंग्वेज, जिस तरह HTML है ना, HTML में हम कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। HTML में हम ये नहीं कर सकते कि वो हमें 2+2 करके दिखा दे। HTML ना हमें कोई वैल्यू रिटर्न कर सकती है, ना हमें किसी चीज़ का रिजल्ट दे सकती है, ना हम HTML में कोई स्ट्रिंग शो करवा सकते हैं। ठीक, कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो HTML जो है वो हमारे पास सिंपली एक मार्कअप लैंग्वेज है या एक रेंडरिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो हम उसमें टैग्स, कलर्स डिफाइन कर देते हैं, उन्हें रेंडर कर देती है वेबसाइट। ठीक, क्लोज योर फेसबुक। ओके, तो ये डिफरेंस है बेसिकली HTML और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में। अब जो है PHP जो है ये हमारे पास बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज। ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब है ये बगैर वेब सर्वर के यूज नहीं हो सकती, ये सर्वर एंड पे यूज होती है। इसके लिए हमें कोई वेब सर्वर चाहिए होगा। सही है, वेब सर्वर रिक्वायर्ड, ये सर्वर ही इसे रन करेगा। सही है, फॉर एग्जांपल क्या एक्चुअली प्रोसेस होता है, लेट मी ओपन माय फेवरेट माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ओके, फेवरेट प्रोग्राम स्टॉप, नहीं फेवरेट प्रोग्राम है मेरा, स्टॉप कर। बेसिकली जब एक पीसी जो है ना वो रिक्वेस्ट भेजता है ना सर्वर को, तो सर्वर के ऊपर जो PHP का स्क्रिप्ट होता है वो सर्वर पे पड़ा होता है। सही है, तो वो सर्वर जो है वो PHP के स्क्रिप्ट को प्रोसेस करता है। ठीक है, और उसे वापस क्लाइंट को सेंड कर देता है। सही है, अब जो अगर हम किसी वेबसाइट को इंस्पेक्ट एलिमेंट करके उसका कोड देखें तो उसमें हमें जावास्क्रिप्ट का कोड भी नजर आ जाएगा, HTML का भी नजर आ जाएगा, लेकिन PHP का कोड नजर नहीं आएगा, क्योंकि PHP का कोड रन ही सर्वर साइड पे हो रहा होता है। ठीक है, सर्वर क्योंकि ब्राउजर है वो PHP को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सर्वर क्या करता है, जब क्लाइंट उसे रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर सबसे पहले उस PHP के कोड को ब्राउजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर उसे प्रोसेस करके फिर उसे वापस PC पे भेजता है ताकि वो ब्राउजर जो है वो उसका रिस्पॉन्स गेट कर सके। ठीक, तो दिस इज द सिंपल। ठीक है, तो इसलिए भी हम इसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये हो गया इसका इंट्रो। अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि PHP में एरेज कैसे डिक्लेयर करते हैं।
ठीक है। एरे डिक्लेयर करने के लिए मैं उसी तरह कोई डॉलर का साइन, डॉलर के साथ मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जिसमें मैंने अपनी एरे को स्टोर करवाना है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ ए आर आर माई इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ठीक है। ये एरे का एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है। इससे उसे पता चलता है कि एक एरे क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर लिख देता हूँ अजहर, ठीक है, और ये स्ट्रिंग्स की एरे बना रहा हूँ, ठीक है। मैं एरे कितने टाइप की होगी? एरे इसमें दो टाइप की होती है, एक ये सिंपल एरे, ठीक है। या तो मैं इस तरह एरे क्रिएट कर दूँ डायरेक्ट, या मैं इस तरह कर सकता हूँ कि एक मैंने एरे बनाई। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डॉलर ए बी सी इज इक्वल टू एरे, ठीक है। और मैं कहता हूँ डॉलर ए बी सी के इंडेक्स ज़ीरो में ये स्टोर करवा दो एक्स वाई जी, ठीक है। और डॉलर डॉलर ए बी सी के इंडेक्स वन में वो बताता हूँ एसोसिएटिव एरे है दूसरे, सही है, कुछ भी स्टोर करवा दिया। तो ये दूसरा मेथड है एरेस और में इंडेक्सेस को वैल्यूज देने का, ठीक है। जो तीसरी टाइप हमारे पास एरे है ना, वो है एसोसिएटिव एरे, ठीक है। एसोसिएटिव एरे, ठीक। इको करवा देता हूँ। इको का मेथड यूज होता है हमारे पास कोई चीज प्रिंट करवाने के लिए, बिल्कुल, ठीक है। जिस तरह हमारे पास जावा में यूज होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और सी में प्रिंट एफ यूज होता है, और सी प्लस प्लस में होता है सी आउट, ओके, ठीक। तो अब हम एसोसिएटिव एरे में क्या होता है, एसोसिएटिव एरे में हम इंडेक्स को कोई नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि एक मेरे पास एरे है डॉलर नेम्स के नाम से, और इसे मैं कहूँ एरे, और इसमें मैं एक पहला इंडेक्स है ना उसे मैं एक नाम देना चाहता हूँ। पहले इंडेक्स में कहता हूँ नेम, और इधर मैं कह देता हूँ नेम में पड़ा है ज़ीशान, ठीक है ज़ीशान। और दूसरे इंडेक्स को मैं दे देता हूँ रोल नंबर, और उसे मैं कह देता हूँ इसमें पड़ा है E151, सही है। दो इंडेक्सेस हो गए। तीसरा इंडेक्स में मैं कह देता हूँ थर्ड इंडेक्स को मैं नेम देता हूँ फॉर एग्जांपल क्लास, और इसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ BSIT, ठीक है। तो ये मेरी एसोसिएटिव एरे है, ठीक है। ये मेरी एसोसिएट, पहले एरे फर्स्ट एरे को मैंने नाम दिया नेम, फर्स्ट इंडेक्स का जो नेम है, अब इंडेक्सेस को नेम दे दिए हैं मैंने, जीरो इंडेक्स को मैंने नेम कह दिया है, फर्स्ट इंडेक्स को मैंने रोल नंबर कह दिया है, और सेकंड इंडेक्स को मैंने क्लास कह दिया है, ठीक है। उनमें वैल्यूज कौन से स्टोर हैं, BSIT, ठीक है। अब एरे को अगर हमने एरे की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना हो ना, हमें नहीं पता इस एरे की कितनी लेंथ है, हमने इस एरे की वैल्यू को डायरेक्ट डिस्प्ले करवाना हो, सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास फंक्शन यूज होता है फॉर ईच का। फॉर ईच में हम क्या करते हैं, मैंने इस नेम्स की एरे की वैल्यू, नेम्स की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है ना, मैं कहूँगा डॉलर नेम्स एज, इससे ना मैं किसी मतलब किसी और वेरिएबल में टेम्परेरीली स्टोर करवा रहा हूँ इसके इंडेक्स, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू, सॉरी, एज मैं कह देता हूँ डॉलर एक्स फॉर एग्जाम्पल, सही है। और मैं कह देता हूँ इको कर दो, सॉरी इको कर दो डॉलर एक्स को, ठीक है। तो अब मेरे पास ये इसकी वैल्यूज जो होंगी ना, सॉरी, इसकी जितनी भी वैल्यूज है ना वो सब ये डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, नेम की सिर्फ, हाँ सिर्फ नेम की वैल्यू, हाँ नेम्स वाला, नेम्स वाली अरे मैंने चूज की है ना, तो मैं इस एसोसिएटिव अरे अरे है इसे मैं अब सेव करता हूँ, लेट मी सेव इट, टेस्ट, ठीक है, इधर मैं रन करता हूँ इसे test.php, come on baby, come on, okay।
ये देख, उसने पहले एसोसिएटिव एरे को प्रिंट करवाया, सही है, इको का मेथड जो हमने लिखा हुआ था, ये देख, ठीक है, एसोसिएटिव एरे को इको करवाया, उसके बाद ये उस पूरी एरे में जितनी भी वैल्यूज है ना, उसने उन्हें प्रिंट करवा दिया। फॉर ईच लूप क्या करता है कि एरे की जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, अगर इन इतनी एरे की इतनी ज्यादा लेंथ है कि हमें नहीं पता और हम चाहते हैं उसके उसमें जितने भी वैल्यूज स्टोर है ना, हम उसे शो करवाना चाहते हैं, तो हम फॉर ईच का फंक्शन यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एरे का। ये नेम आ सकता है, नेम रोल नंबर क्या है? हां भी दी थी फॉर ईच का, बिल्कुल दी थी सर ने सर। हां नेम डॉलर नेम्स हमने पहले लेना, ये नेम ऊपर वाला, ये तो इंडेक्स का, इंडेक्स का नेम है, समझ ले, जीरो हम वैसे लिखते होते हैं ना, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, ये वो चीज है। इंडेक्स को हमने एक नेम दे दिया और उसकी वैल्यू जो है वो जिशान है, ये वैल्यूज शो करवाएगा। वैल्यू उसने पहले जिशान शो करवाई, फिर दूसरे इंडेक्स की वैल्यू E151 शो करवाई, फिर थर्ड इंडेक्स की वैल्यू BSIT शो करवाई, सही है ये। अब मैं फॉर एग्जाम्पल चाहता हूँ कि ना मेरा जो एसोसिएटिव एरे है ये, इसके बाद ये जो जिशान वगैरह है ये सेकेंड लाइन पे आ रहे, तो उसके लिए अगर मैंने PHP के अंदर HTML को यूज़ करना है ना, तो मैं इको अपने इको के फंक्शन के साथ में HTML का टैग यूज़ करूँगा। इको के फंक्शन में मैं अपना ये HTML का टैग लिख दूंगा तो तब ये वर्क करेगा, सही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है कि PHP के अंदर हम HTML को कैसे यूज़ कर सकते हैं इको के फंक्शन के थ्रू, ठीक है। हम इको के फंक्शन में HTML का वो टैग लिखेंगे जो हम यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं अब ये टैग लिख के इसे सेव करूँगा ना, तो अब ये सेकेंड लाइन पर आ जाएगा। देखा, ये है PHP के अंदर HTML को कैसे यूज करना। ईच ये है कि हर हमने जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना था, उसके लिए फॉर ईच के फंक्शन लगेगा, ये है ना। हाँ, एरे की वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, सही है। अब मैं कहता हूँ यार एरेस की वैल्यूज को तो मैंने प्रिंट करवा लिया, मैं इसके इंडेक्सेस को भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, सही है। इसके इंडेक्सेस को मैं इंडेक्सेस के नेम्स को कैसे प्रिंट करूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि वैल्यू भी आए और साथ में पता चले कि वो वैल्यू जिस इंडेक्स में है उस इंडेक्स का क्या नेम है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ना इसको तुमने क्या किया, ये तो सिंपल एरे क्रिएट किया, ये तो जनरल एरे क्रिएट किया ना, नॉर्मल ABC में स्टोर किया एरे को। हाँ, और उसके जीरो इंडेक्स की लेंथ क्या एरे की, जीरो यार ये लेंथ वन है, देख तो जीरो और वन दो इंडेक्स ही है इसके। अच्छा, इधर फिर ये सिर्फ फंक्शन यूज किया है। हाँ, इधर मैंने ये अलग से उसमें किया ना, ये मैंने दो मेथड बताए इंडेक्स इसके नीचे दिए हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि साथ में वैल्यू भी आए, सॉरी ये जो है इसका इंडेक्स का नेम भी आए और उसकी वैल्यू भी आए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले रहा होता है, जरूरी नहीं है इधर एक्स ही लूँ, कोई भी मैं वेरिएबल का नाम रख सकता हूँ, ठीक है। मतलब इस एरे को ये इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग कंसिडर करे, सही है, और उसकी वैल्यूज इको करवा दे, ऐसे ही कर रहे हैं ना ये। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इसके एज एक्स यही ले, और ये मैं इम्प्लाइज का साइन डालूंगा, और इधर मैं कोई और वेरिएबल लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ सॉरी इम्प्लाइज, और मैं इधर कह देता हूँ डॉलर वैल्यू। अब ये क्या करेगा, अब इस एरे में से उसे पता चला ये एक्स इम्प्लाइज ये वाला वेरिएबल, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले में इस पहले वेरिएबल में जो है ना सारी की ये जो है इंडेक्स के नेम्स ये स्टोर करवा रहा होगा, और वैल्यू के अंदर इसकी इनकी वैल्यू स्टोर करवा रहा होगा, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को डिस्प्ले करवाना है, तो इको मैंने डॉलर एक्स कर दिया, या मैं कहता हूँ इको, इधर मैं लिखता हूँ इंडेक्स नेम को हम कीज भी कह सकते हैं, मैं कहता हूँ कीज डॉट डॉलर एक्स, डॉट से हम इन दोनों कंकैटिनेट करते हैं, ठीक है, मतलब मर्ज करते हैं, सही है। फिर से मैं डॉट लगाता हूँ और मैं कहता हूँ एंड एंड वैल्यूज, फिर डॉट लगा के मैं डॉलर वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे सेव करवाता हूँ तो देखना क्या होता है। कंट्रोल एस सेव, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर प्लीज लीव मी अलोन, इसको एग्जिट कर दे। अच्छा, तो मैं इसे रीलोड करता हूँ, क्या आ रहा है, एसोसिएटिव एरे ऊपर है नीचे कीज नेम एंड वैल्यूज, ठीक है, नेम एंड वैल्यूज को साथ में कंकैटिनेट कर रहा है। देखा ना, मैं एक मिनट इसका निकालता हूँ, कीज को कंकैटिनेट किया, फिर डॉलर एक्स में आना चाहिए नेम, डॉलर एक्स में पहली बार क्या आया नेम, फिर उसने एंड वैल्यूज को साथ में कंकैटिनेट किया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, जिशान,
ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ गई ईशान, सही है। फिर दूसरी बार क्या किया उसने, ये तो क्या है? रोल नंबर को कराया और उसके साथ एंड वैल्यूज को कंकैटिनेट किया, और उस रोल नंबर की वैल्यू हुई 51। इसे थोड़ा सा हम खुला खुला करके लिखते हैं। मैं कहता हूँ कीज डॉट, इसके अंदर एक स्पेस को कंकैटिनेट करवाते हैं, डॉट डॉलर एक्स एंड वैल्यूज की बजाय वैल्यू, एंड वैल्यू डॉट डॉट डॉलर वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके बाद यहाँ पे उसके बाद इको बी आर भी करते हैं, ताकि हर बार वो नई लाइन पे आए, सही है। एच टी एम एल का टैग लिख देते हैं, बी आर का, बी आर सही। अब हम इसे करते हैं, तो ऐसा देखना मजेदार आएगा। देख कीज नेम एंड वैल्यू निशान लेकिन ये कि कीज स्पेस नेम, कंसिडर कर रहा है। उसे थोड़ा सा और दे देते हैं, कीज की सिंपल की, इसने इको इसके बाद क्यों दिए, यहाँ पे पहले तो दे सकता था, इससे पहले किससे इस लाइन से पहले ये आया था। इस लाइन से पहले ये, तो हाँ इससे पहले एक और स्पेस आ जाएगी, ये स्पेस के लिए है ना। अब जित ये लूप उतनी बार रन होना है जितनी बार इसकी इंडेक्सेस खत्म नहीं हो जाते। पहली बार रन होगा ये एक लूप, सही है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लूप है। पहली बार रन होगा, पहला की और पहली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर उसके बाद वो स्पेस देगा एक, वो सॉरी नेक्स्ट लाइन पे आएगा, देखा ना इस दफा वो नेक्स्ट लाइन पे आया है। फिर उसकी फिर दोबारा जब आएगा फिर ये नेक्स्ट लाइन वाला कोड चलेगा, फिर से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ये इस तरह है। मैं इसकी बजाय इधर भी अगर इसकी बजाय इसे शुरू में दे दूंगा ना, तो क्या होगा, तो भी यार वो चल पड़ेगा, क्योंकि पहली बार तो वो ऐसे ही चलेगा। अच्छा समझ आ गई, समझ आ गई ना, कंट्रोल एस करके मुझे नहीं दोबारा समझ चलो। आई। ये देख की नेम एंड वैल्यूजेशन, अब एंड में, एंड में भी थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, एंड के बाद भी मैं करता हूँ इसे, मैं यहाँ पे करता हूँ, फिर कंकैटिनेट करता हूँ इसके साथ एक स्पेस। इसने क्या कर दिया, अच्छी तरह कंकैटिनेट नहीं किया इसे मैंने, डॉट डॉलर वैल्यू, सही है, अंडरस्टैंड। क्या समझ नहीं आई जो बात, इसमें कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। फिर भी वही चल छोड़ो यार, स्पेसिस का इशू तो अब तुम लोग कर सकते हो खुद ही, ठीक है। क्या समझ नहीं आई यार, फॉर ईच लूप क्या करती है, ये हमारे पास एक एरे लेती है पूरी, सही है। हम कह रहे हैं डॉलर नेम्स, हम ये एरे ले रहे हैं, हम कह रहे हैं एज डॉलर एक्स, हम कह रहे हैं उस एरे को डॉलर एक्स की तरह कंसीडर करो, और हमने आगे ये इम्प्लाइज का साइन लगाया और साथ में आगे लिखा है डॉलर वैल्यू, सही है। इसका मतलब है कि अगर हम अकेला एक्स लिखेंगे ना, ये रिमूव कर देंगे, सही है, तो वो सिर्फ वैल्यूज उठाएगा। लेकिन अगर हम क्या नाम है साथ में वो इम्प्लाइज का साइन डाल के डॉलर वैल्यू लिख लें ना, तो एक्स में उन इंडेक्सेस की कीज स्टोर करवाएगा, और इस वाले वेरिएबल में जो आगे इम्प्लाइज के आगे जो भी वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वेरिएबल का नाम जवाद रख देता हूँ, इधर भी मैं जवाद कर देता हूँ, ठीक है, तो इसमें वो इनकी वैल्यू स्टोर करवा रहा होगा। अब इस ये इंडेक्स का नेम है, ये इसकी वैल्यू है, एक्स में नेम आ रहा है तो मैंने एक्स को प्रिंट करवाना है, अगर मैंने की को प्रिंट करवाना है तो मैं एक्स को प्रिंट करवाऊंगा ना, और मैंने उसकी वैल्यू साथ में प्रिंट करवानी है, तो मैंने उसको डॉट से कॉनकैटिनेट किया, कॉनकैटिनेट मतलब उसे मर्ज किया, ठीक है, इसके साथ साथ मैंने ये दूसरा वेरिएबल जो है ये मैंने बीच में साथ में कॉनकैटिनेट करवा दिया। तो क्या होगा, पहली बार की लिखा है, क्योंकि एक्स में की है ना, की आती है, पहली बार लिखा आएगा नेम और साथ में लिखा आएगा एंड वैल्यू और आगे लिखा आएगा निशान, सही है। उसके बाद मैंने बी आर का टैग दिया, नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर नेक्स्ट वाली की उठाएगा, नेक्स्ट वाली की को प्रिंट करवाएगा यहाँ पे, फिर उसके साथ एंड वैल्यू उसकी वैल्यू प्रिंट करवा देगा, अंडरस्टैंड। ये है हमारे पास फॉर ईच का फंक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एरे का एक और फंक्शन है, मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ इन सबको, मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, और मैं आता हूँ एक एरे लेता हूँ। अच्छा ये हम PHP में डबल में ये स्लैश डाल के इसको एज ए कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट है और है तो कमेंट ही, हाँ बिल्कुल कमेंट ही है, लेकिन HTML में क्या, HTML में भी ऐसे ही होगा नहीं, वो HTML में कमेंट देने का मेथड और है यार,
पता नहीं क्या है, भूल गया मुझे। अच्छा मैं यहाँ पे एक एरे लेता हूँ, और सॉरी मैं यहाँ पे सॉरी नहीं एरे नहीं, एरे का और कौन कौन से फंक्शन हैं, एरे के और कौन कौन से फंक्शन हैं, एरे के फंक्शन निकाल ले। अच्छा ये फॉर ईच हमने कर लिया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन था, ठीक है उसके बाद हम। अच्छा एक हमारे पास फंक्शन है इम्प्लोड का, इम्प्लोड इम्प्लोड फंक्शन सही है। ये क्या करता है, ये हम एरे के इंडेक्सेस के दरमियान अगर कोई हम स्पेस कोई करेक्टर वगैरह ऐड करना चाहते हैं ना, तो ये उन्हें ऐड कर देता है। मैं कहता हूँ कि हर इंडेक्स के बाद ना मेरे पास सॉरी इंडेक्स में हर वैल्यू के बाद मेरे पास ये वाला सिंबल आना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो मैं इम्प्लोड का फंक्शन यूज करूंगा, मैं कहता हूँ इम्प्लोड और इसमें मैंने वो करेक्टर देना है, मैं ये करेक्टर दिया और इसे मैंने साथ में एरे देनी है, कौन सी एरे, मैं वो देता हूँ डॉलर ए आर आर, सही है दे दी। अब मैं इसे इको करवा लेता हूँ उस एरे को, इको डॉलर ए आर आर कंट्रोल एस, तो अब मैं इसे रीलोड करके देखता हूँ बस क्या बनता है। इम्प्लोड क्यों नहीं हो रहा। अच्छा इसके एक और एरे बनाते हैं, डॉलर ए बी सी इज इक्वल टू एरे दूसरी बनाते हैं, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है इसे इम्प्लोड करके देखते हैं ए बी सी, ए बी सी ए बी सी। आई थिंक शायद प्रिंट अंडरस्कोर आर, सॉरी नेम चेंज करके देखते हैं, एक्स वाई एक्स वाई सी एक्स वाई सी एक्स वाई सी कंट्रोल एस, हम इसे इको करवाते हैं। एरर कम ऑन यार, ओके 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 ये ऐसे आना है। देखा अरे प्रिंट हो गई, जीरो इंडेक्स में वन पड़ा है, वन इंडेक्स में टू, टू इंडेक्स में थ्री, थ्री इंडेक्स में फोर, फोर इंडेक्स में फाइव, किन कौन कैटिनेट नहीं हुए वो ये वाला implode